हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग स्टील मेकिंग सब्जेक्ट से कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर आपको कैसे दे रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे कि हर सब्जेक्ट्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों बताऊँगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा से ढूंढना ना पड़े। और अगर आपको ज़्यादा अच्छा और पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हो। और ऑलरेडी मैंने पूरा स्टील मेकिंग का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है जिसमें मैंने शुरू से लेकर आखिरी तक पूरे स्टील मेकिंग को अच्छे से समझाया है। ठीक है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। चलिए, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेता हूँ और उसका आंसर मैं आपको देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको जैसे पूछा जा सकता है स्टील मेकिंग से बेसिक क्या है, स्टील मेकिंग व्हाट इज़ स्टील मेकिंग। तो इसका आंसर होगा स्टील मेकिंग इज़ ए रिफाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टील मेकिंग क्या है, एक रिफाइनिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करके जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, फिर फ्लक्स मिला के उस जो ऑक्साइड प्रोडक्ट है उसका हम स्लैग बना लेते हैं। ठीक है, जिससे स्लैग और मेटल का अलग लेयर बन जाता है, मेटल और स्लैग का अलग लेयर बन जाता है, क्योंकि स्लैग और मेटल का जो है डेंसिटी अलग अलग होता है। डेंसिटी डिफरेंट के कारण स्लैग और मेटल का अलग लेयर बन जाता है। तो जितने भी आपका इम्प्योरिटी है वो ऑक्साइड बना के कहाँ चला जाता है, स्लैग में चला जाता है। जैसे आपका सिलिकन से वो सिलिका बना लेता है ना, मैंगनीज वो मैंगनीज ऑक्साइड बना लेता है, फॉस्फोरस P2O5 बना लेता है। ठीक है, और जो कार्बन है वो तो सी और CO2 बना के उड़ जाता है। ठीक है, वो लिक्विड या सॉलिड प्रोडक्ट ही बनाता है, सीधा गैस बना के उड़ जाता है। ठीक हो, तो स्लैग में नहीं मिलेगा आपको CO CO2। और इन सबको स्लैग बनाने के लिए हम क्या डालते हैं, लाइम डालते हैं, लाइम या डोलोमाइट। लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, डोलोमाइट मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस MgO, इसको हम डोलोमाइट बोलते हैं। तो ये हम ऐड करते हैं। ठीक है, ओके, तो इससे क्या बनता है आपका, स्लैग बनता है ना। अब जैसे केमिकल रिएक्शन पूछा जाएगा कि कौन कौन सा केमिकल रिएक्शंस होता है, तो सिंपल सी बात है, रिएक्शंस कौन कौन से होगा। एक तो जितने भी इम्प्योरिटीज है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सिलिकन रिएक्शन करेगा। अब देखो, मैं ये वाला ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब होता है कि वो जो एलिमेंट अभी मेटल में है, हॉट मेटल में है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है उसको भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ। मतलब कि ऑक्सीजन भी क्या है, स्टील के अंदर डिजॉल्व है। मतलब जो हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन ब्लोइंग करते हैं, वो पहले ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है मेटल में, फिर डिजॉल्व होने के बाद वो जितने भी इम्प्योरिटीज़ है उससे रिएक्शन करता है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना लेगा, SiO2 बनेगा। और मैं ये वाला ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अब ये वाला ब्रैकेट क्या बता रहा है, कि ये एलिमेंट स्लैग में चला गया है। ठीक है, वैसे बाकी रिएक्शन भी होगा, मैंगनीज भी क्या करेगा आपका, रिएक्शन करेगा। यहाँ पे दो लगेगा ना, सिलिकॉन के में रिएक्शन में ऑक्सीजन के सामने दो लगेगा क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है। तो मैंगनीज प्लस यहाँ भी ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा और ये MnO बना लेगा। ठीक है, सेम वही फॉस्फोरस का भी, तो यहाँ पे 2P होगा स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 5O = P2O5। ये क्या हो गए, रिएक्शंस हो गए, ऑक्साइड के रिएक्शंस। ठीक है, और स्लैग कैसे बनेगा, तो स्लैग ये जो सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ऑक्साइड प्रोडक्ट, वो लाइम से रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये SiO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम सिलिकेट। ये आपका क्या है, स्लैग है। या इस रिएक्शन को आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, SiO2.CaO, ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही सेम सारे सारे ऑक्साइड भी बनाएगा, जैसे MnO है। ठीक है, ये आप कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आप इसको रिएक्शन लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा MnO है ना .CaO, ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये भी एक तरह से सही है, ये हो जाएगा स्लैग। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, केमिकल रिएक्शंस है ना। कार्बन का लिख सकते हो, कार्बन भी रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से और ये क्या बनाता है, CO बनाता है। ठीक है, CO क्या है, गैस है। अब यही CO क्या होता है ना, बाद में जब जब मतलब ऊपर उठता है CO, जब CO एक्चुअली में जब ऑक्सीजन पहले रिएक्शन करते हैं कार्बन से, तो पहले CO ही बनाता है, फिर बाद में जो CO है वो आपको रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से। ठीक है, तब जाके क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। ये वाले रिएक्शन को बोलते हैं पोस्ट कम्बशन रिएक्शन। मतलब जब CO बन जाता है ना, CO गैस बन जाता है, तब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ना, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसको पोस्ट कम्बशन बोलते हैं। मतलब CO का कम्बशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हो गए। ठीक, अब नेक्स्ट जैसे बात करते हैं स्लैग बेसिसिटी पे। अब स्लैग बेसिसिटी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेसिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो बेसिसिटी को
मैं बी बोलता हूँ, बेसिसिटी इज इक्वल टू होते हैं अमाउंट ऑफ बेसिक ऑक्साइड डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड ये एक्चुअल में क्या है, बेसिसिटी का फॉर्मूला होता है। ज़्यादातर जो है ना बेसिक ऑक्साइड में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हम केवल किसको कंसिडर करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों को हम कंसिडर करते हैं एज ए बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। हालांकि FeO भी एक तरह से बेसिक ही होता है, बट ज़्यादातर जो है बेसिसिटी निकालने के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को ज़्यादा कंसिडर करते हैं, और एसिडिक ऑक्साइड के लिए हम SiO2 और P2O5, ये आपका एसिडिक होता है। तो इन इसका जो रेशियो है कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिला के जो अमाउंट है डिवाइडेड बाई सिलिका और P2O5, इसका जो अमाउंट है, ठीक है, इसका जो रेशियो वो क्या होता है, बेसिसिटी होता है। तो बेसिसिटी आपको कितना मेंटेन करना होता है स्टील मेकिंग में, अराउंड 3 to 3.5 ये हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे फेवरेबल कंडीशन ऑफ रिमूवल है ना, जैसे डिफॉस्फोराइजेशन के लिए डिफॉस्फोराइजेशन आपको करना है ना, मतलब रिमूवल ऑफ फॉस्फोरस करना है, तो क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। तो दो मेन कंडीशन होते हैं, दो या तीन बोल सकते हो। पहला कंडीशन होता है लो टेम्परेचर, फॉस्फोरस रिमूवल के लिए लो टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। दूसरा, स्लैग की जो बेसिसिटी है वो हाई होनी चाहिए, स्लैग बेसिसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तीसरा क्या कंडीशन होता है, हाई FeO कंटेंट इन स्लैग होना चाहिए, हाई FeO इन स्लैग। ये तीन इंपॉर्टेंट फेवरेबल कंडीशन है डिफॉस्फोराइजेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे हाई स्लैग बेसिसिटी चाहिए, मतलब अपन 3 to 3.5 बेसिसिटी आपको रखनी है। अगर नहीं उतना मेंटेन करोगे बेसिसिटी, तो फॉस्फोरस स्लैग में ना जा कर के मेटल में ही रह जाएगा, ओके। तो इसीलिए हमको हाई स्लैग बेसिसिटी रखना पड़ता है फॉस्फोरस रिमूवल के लिए। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट रिमूवल होता है, डिसल्फराइजेशन का पूछा जा सकता है। डिसल्फराइजेशन, तो डिसल्फराइजेशन के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन होता है, तो इसके लिए भी तीन होता है, तीन अराउंड चार होता है, मैं बता देता हूँ। पहला, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, डिफॉस्फोराइजेशन के लिए क्या चाहिए आपको, हाई टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा, रिड्यूसिंग कंडीशन चाहिए, रिड्यूसिंग कंडीशन, ठीक है। अच्छा हाँ, फॉस्फोरस रिमूवल के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन चाहिए। देखो हाई FeO का मतलब क्या होता है, हाई जितना ज़्यादा FeO होगा ना स्लैग में, मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, ये याद रखना है ना। तो अगर हाई FeO बोल रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन भी बोल रहा है। तो डिसल्फराइजेशन के लिए क्या चाहिए, रिड्यूसिंग कंडीशन चाहिए, है ना। और हाई स्लैग बेसिसिटी इसमें भी चाहिए, हाई स्लैग क्या चाहिए, बेसिसिटी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हाई स्लैग वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्लैग वॉल्यूम मतलब स्लैग का अमाउंट भी ज़्यादा होना चाहिए डिसल्फराइजेशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, कंडीशन फॉर रिमूवल है, इसको आपको याद होना चाहिए, है ना। अब ये भी पूछा जाता है कि कौन सा एलिमेंट प्राइमरी स्टील मेकिंग में रिमूव नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है कि सल्फ़र रिमूव नहीं होता है, क्योंकि सल्फ़र के लिए रिड्यूसिंग कंडीशन चाहिए आपको, है ना। जबकि स्टील मेकिंग में जो प्राइमरी स्टील मेकिंग है वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन होता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन ब्लोइंग कराते हैं, तो सल्फ़र रिमूवल पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब यही उल्टा होता है ब्लास्ट फर्नेस में। देखो ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, रिड्यूसिंग कंडीशन होता है, तो ब्लास्ट फर्नेस में सल्फ़र रिमूवल पॉसिबल है ना, लेकिन फॉस्फोरस रिमूवल नहीं होता है। तो जितना भी रॉ मटेरियल में फॉस्फोरस होगा वो सीधा हॉट मेटल में आता है, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं इम्पोर्टेंट ये डिफरेंस। तो मेन सल्फर का हमको कंट्रोल कहाँ करना चाहिए, तो बोल सकते हो आप ब्लास्ट फर्नेस में मेन कंट्रोल होना चाहिए सल्फर का, क्योंकि जितना कम सल्फर हॉट मेटल में आएगा उतना कम प्रॉब्लम हमको स्टील मेकिंग में होगा, ठीक है। तो मेन हम कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं सल्फर को, इस यहाँ ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइमरी स्टील मेकिंग में तो रिमूव होता ही नहीं है सल्फर, हमको सेकेंडरी स्टील मेकिंग में जाना पड़ता है, अलग से डिसल्फराइजेशन करना पड़ता है, ओके। अब नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है कि हॉट मेटल की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अगर हमको अच्छा स्टील मेकिंग करना है, अच्छा स्टील बनाना है, स्मूथली बनाना है, तो हॉट मेटल की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट होता है, एक सिलिकॉन कंटेंट होता है, दूसरा सल्फर कंटेंट होता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिलिकन जितना ज़्यादा रहेगा ना उतना ज़्यादा क्या बनेगा, सिलिका बनेगा, और सिलिका आपको पता है कि हाईली एसिडिक नेचर का होता है। तो ज़्यादा सिलिका बनेगा मतलब आपको बेसिसिटी मेंटेन करने के लिए ज़्यादा लाइम आपको ऐड करना पड़ेगा,
है ना, क्योंकि बेसिसिटी आपको 3.5 मेंटेन करनी है, तो सिलिका के 3 गुना आपको लाइम ऐड करना है। तो एक हो गया कि खर्चा बढ़ेगा क्योंकि लाइम महंगा है, दूसरा क्या होगा ना कि स्लैग वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, स्लैग ज़्यादा बनेगा। और जितना स्लैग बनेगा ना, ये हो कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा उसका वजन होता है ना, तो ज़्यादा स्लैग बनेगा, मेटल है, मेटल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्लैग बन रहा है, तो ज़्यादा दबाव बनेगा स्लैग और मेटल के बीच, तो क्या होगा कि जो इम्प्योरिटी है वो स्लैग से निकल के मेटल में आने लग जाएगी, तो स्लैग वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सिलिका जो है, हालांकि सिलिका तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका रिमूवल में प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, सिलिका अगर ज़्यादा है तो हमको बेसिसिटी मेंटेन करने के लिए ज़्यादा लाइम ऐड करना पड़ता है, ज़्यादा स्लैग बनता है, ये प्रॉब्लम है मेन, ठीक है। दूसरा सल्फर रिमूवल बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सल्फर जैसे आपको पता है प्राइमरी स्टील मेकिंग में रिमूव नहीं होता है, सेकेंडरी स्टील मेकिंग करना पड़ता है, तो सेकेंडरी स्टील मेकिंग करना भी एक खर्चे का काम होता है, बहुत ज़्यादा डीसल्फराइजिंग एजेंट लगता है हमको, बहुत सारा अरेंजमेंट लगता है, उसके बावजूद भी सल्फर रिमूवल की एक लिमिट होती है, आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा पूरा 100% सल्फर रिमूव कर दोगे, ठीक है, एक लिमिट होता है सल्फर रिमूवल का। अगर हॉट मेटल में पहले से सल्फर ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, जबकि आजकल के जो स्टील डिमांड है उसमें क्या बोला जाता है कि सल्फर कम होना चाहिए, क्योंकि सल्फर से क्या होता है, हॉट शॉर्टनेस होता है ना। कुछ ही स्टील ऐसे है जैसे आपका फ्री कटिंग स्टील, जहाँ पे सल्फर का एक्चुअली में सल्फर होना चाहिए, वो इम्प्योरिटी वो एक्चुअली में बेनिफिशियल है फ्री कटिंग स्टील में, बाकी किसी भी टाइप के स्टील में सल्फर हमको कम चाहिए होता है ना, तो हॉट मेटल में सल्फर कम होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में क्या क्या होता है, पहला ऑपरेशन होता है आपका चार्जिंग, स्टील मेकिंग में चार्जिंग में सबसे पहले हम लोग सॉलिड चार्जिंग करते हैं, मतलब स्क्रैप चार्ज करते हैं, स्क्रैप लगभग 10-20% हम लोग सॉलिड चार्जिंग करते हैं, मतलब स्क्रैप चार्जिंग करते हैं, और इसे कूलेंट हम चार्ज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रैप ऐसा नहीं है कि हम लोग करें तो करें, नहीं करें तो भी चलेगा, ऐसा नहीं, कंपलसरी है स्क्रैप चार्जिंग, 10-20% कंपलसरी है, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हॉट मेटल में हम ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन ब्लोइंग कराते हैं, तो जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो वो रिएक्शन के कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ता है हमको, जो स्टील है प्राइमरी स्टील मेकिंग से जो स्टील निकल रहा है वहाँ पे लगभग टेम्परेचर 1650 के आसपास ही रखना पड़ता है, 1650 डिग्री सेल्सियस में हमको स्टील बना के आगे भेजना पड़ता है सेकेंडरी स्टील मेकिंग में, तो टेम्परेचर इससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए, है ना। तो अगर आप स्क्रैप ऐड नहीं करोगे, कूलेंट ऐड नहीं करोगे, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पहुँच जाएगा, 1800-1900 तक चला जाएगा, है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्क्रैप चार्ज करते हैं ताकि टेम्परेचर को हम वापस इस रेंज में ला सकें, ओके। तो एज ए कूलेंट हम स्क्रैप चार्ज करते हैं, वो कंपलसरी होता है, और कितना चार्ज करना है वो डिपेंड करता है कि हॉट मेटल का कॉम्पोजिशन क्या है, एंड अगर हॉट मेटल में इम्प्योरिटी ज़्यादा है, मतलब सिंपल सी बात है, ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है, मतलब ज़्यादा रिएक्शन होगा तो ज़्यादा हीट जनरेट होगा, तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा स्क्रैप चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। मेन जो है ना, सिलिकन और फॉस्फोरस, इन दोनों के ऑक्सीडेशन से सबसे ज़्यादा हीट क्या होता है, हीट बनता है, मतलब ठीक है, हीट जनरेट होता है ना, तो सिलिकन फॉस्फोरस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको कूलेंट ऐड करना पड़ेगा, ओके। फिर नेक्स्ट क्या होता है, हॉट मेटल चार्जिंग करते हैं, तो हॉट मेटल चार्जिंग तो ही लैडल से करते हैं डायरेक्टली, है ना। हॉट मेटल चार्जिंग के बाद थर्ड जो होता है वो आपका क्या होता है, ब्लोइंग होता है, ऑक्सीजन ब्लोइंग कराते हैं, ऑक्सीजन ब्लोइंग से जैसे मैंने पूरा रिएक्शंस बताया, पूरा ऑक्सीजन रिएक्शन होगा, जैसे ब्लोइंग करते हैं वैसे लाइम भी ऐड कर देते हैं, ताकि शुरू में ही हमको क्या मिल जाए, बेसिक स्लैग मिल जाए, क्योंकि फॉस्फोरस रिमूवल के लिए क्या होता है, मेन जो फेवरेबल कंडीशन मैंने क्या बताया, लो टेम्परेचर और हाई स्लैग बेसिसिटी, तो आपको शुरू में ही मेंटेन कर लेना है, क्योंकि शुरू में हॉट मेटल का टेम्परेचर कम होता है ना, तो शुरू में ही आपको क्या कर लेना है, बेसिक स्लैग बना लेना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, तुरंत लाइम भी ऐड कर देते हैं, ताकि शुरुआत में जो स्लैग बने वो बेसिक नेचर का, और उसी समय जितना भी फॉस्फोरस है वो स्लैग में चला जाए, ठीक है। दूसरा क्या रीज़न होता है तुरंत लाइम ऐड करने का, कि अगर आपका शुरू का स्लैग अगर एसिडिक नेचर का बनेगा, तो आपका जो लाइनिंग है वो बेसिक लाइनिंग है ना, तो जो एसिडिक स्लैग बन रहा है वो लाइनिंग को ख़राब करेगा, इसलिए हमको तुरंत लाइम भी ऐड करना पड़ता है ब्लोइंग के साथ, है ना। फिर ब्लोइंग के बाद नेक्स्ट क्या होता है, पूरा मान के चलिए पूरा ऑक्सीडेशन हो गया, फिर नेक्स्ट होता है सैम्पलिंग, सैम्पल आपको कलेक्ट करना है ना,
सैंपल को लैब में भेजना है। लैब में वहाँ पे फिर स्पेक्ट्रोमीटर से चेक करते हैं कॉम्पोजिशन। तो अगर कॉम्पोजिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, ठीक है, जितना हमको चाहिए था कॉम्पोजिशन उतना है, तो फिर हम सीधा क्या कर देते हैं, टाइपिंग कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टाइपिंग, पर टाइपिंग नहीं, डी स्लैगिंग होता है। डी स्लैगिंग मतलब स्लैग को रिमूव करेंगे, ठीक है। फिर लेकिन अगर मान के चलो जो कॉम्पोजिशन हमको चाहिए वो अचीव नहीं हुआ है, इम्प्यूरिटी रिमूवल कम्प्लीट नहीं हुआ, तो री ब्लोइंग करते हैं। सैंपल लेने के बाद री ब्लोइंग करते हैं, फिर सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो जब तक आपका कॉम्पोजिशन, जो आपका एम कॉम्पोजिशन है, वो आ नहीं गया है, तब तक आपको क्या करना है, ब्लोइंग करना है। और फिर जैसे ही एम कॉम्पोजिशन अचीव हो जाता है, फिर आपको डी स्लैगिंग कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपको क्या कर लेना है, टाइपिंग कर लेना है, ठीक है। तो टाइपिंग कन्वर्टर के केस में अलग टाइपिंग होता है। कन्वर्टर के केस में हमको टिल्ट करना पड़ता है कन्वर्टर को, और अगर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है तो उसमें बॉटम ब्लोइंग होता है, ईबीटी होता है, इसेंट्रिक बॉटम टाइपिंग होता है। वो ईबीटी को नीचे से खोल देते हैं तो क्या हो जाता है, टाइपिंग हो जाता है, ठीक है। और टाइपिंग के समय ही कुछ फेरोल एडिशन भी कर देते हैं, जैसे डीऑक्सीडाइजर वगैरह हम ऐड कर देते हैं टाइपिंग के समय ही, ओके। तो ये हो गया सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। फिर सीक्वेंस ऑफ इम्प्योरिटी रिमूवल पूछा जा सकता है कि कौन पहले रिमूव होता है। तो मैं ग्राफ आपको बना देता हूँ आपके लिए, मैं इधर इस ग्राफ बना देता हूँ, ब्लोइंग टाइम, और इधर मैं बना देता हूँ परसेंटेज ऑफ सिलिकन फॉस्फोरस मैगनीज कार्बन। ऐसा तो सिलिकन जो होता है ना, तुरंत ब्लोइंग टाइम के 5 से 7 मिनट में ये पूरा सिलिकन ऑक्सीडाइज होके इसका कंटेंट जीरो हो जाता है। ये ग्राफ सिलिकन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली ये तुरंत रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन से, क्योंकि इसकी अफिनिटी ऑक्सीजन को लेके हाई होती है। दूसरा मैगनीज, मैगनीज भी रिमूव होता है ऐसे, लेकिन कुछ देर बाद जा करके इसका थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि सिलिकन का रिवर्जन हो जाता है वापस से स्टील में, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, मैगनीज वापस से मेटल में आने लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ही ग्राफ ऊपर उठता है। दूसरा है फॉस्फोरस रिमूवल, तो फॉस्फोरस जो है कुछ इस तरह से रिमूव होता है ऐसे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है फॉस्फोरस रिमूवल। ये फॉस्फोरस है, ये मैगनीज है, ये नीचे वाला सिलिकन है। और कार्बन कैसे रिमूव होता है, कार्बन थोड़ा सा ऐसे जा कर के ऐसे रिमूव होता है। देखो कार्बन शुरू में कार्बन रिएक्शन नहीं करता है, शुरू में जो मेन सिलिकन मैगनीज और फॉस्फोरस रिएक्शन करता है। फिर कुछ समय बाद जब इनका कंटेंट कम हो जाता है सिलिकन फॉस्फोरस मैगनीज का, तब कार्बन का ऑक्सीडेशन चालू होता है। और एक बार जब कार्बन ऑक्सीडेशन चालू होता है ना, तो केवल कार्बन का ही ऑक्सीडेशन होता है कुछ समय बाद, ठीक है, इस तरह से कार्बन रिमूव होता है। तो ये ग्राफ है, आप इस ग्राफ को बना सकते हो अगर इंटरव्यू में बोला जाता है तो। अब सेकेंडरी स्टील मेकिंग में आ जाते हैं हम लोग। सेकेंडरी स्टील मेकिंग का फंक्शंस आपको पूरा पता होना चाहिए, क्यों हम सेकेंडरी स्टील मेकिंग करते हैं, ठीक है। देखो जैसे पहले सेकेंडरी स्टील मेकिंग नहीं करते थे, तो पहले उतना क्वालिटी का भी डिमांड नहीं था कि इस क्वालिटी का स्टील चाहिए। बट अभी जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, स्टील क्वालिटी पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ना। हमको एकदम फिक्स्ड कॉम्पोजिशन का स्टील चाहिए, है ना, प्रॉपर क्वालिटी का स्टील चाहिए, है ना। तो फंक्शंस क्या है सेकेंडरी स्टील मेकिंग के, तो पहला फंक्शन बोल सकते हो होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन ऑफ टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन। टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन होमोजेनाइज करना पड़ता है हमको। दूसरा क्या होता है, पर्जिंग ऑफ आयरन आर्गन गैस। अब अच्छा, पर्जिंग ऑफ आर्गन का इसलिए यही मतलब है कि हमको क्या करना है, होमोजेनाइज करना है, ठीक है। तीसरा इसका फंक्शन होता है अलॉइंग, अलॉय ऐड करना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका डीऑक्सीडेशन, डीऑक्सीडेशन। फिर नेक्स्ट फंक्शन है डीसल्फराइजेशन, ओके। तो ये सब इम्पोर्टेंट फंक्शन है किसका, सेकेंडरी स्टील मेकिंग का, ठीक है। सेकेंडरी स्टील मेकिंग में मेन आपका होता है डीऑक्सीडेशन। तो डीऑक्सीडेशन के लिए हम क्या डालते हैं, डीऑक्सीडाइजर डालते हैं। एल्यूमिनियम सबसे अच्छा डीऑक्सीडाइजर होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर मैंगनीज होता है। तो तीनों के कॉम्बिनेशन हम डालते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एल्युमिनियम ही डाल के डीऑक्सीडेशन करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम क्या बनाता है, एलुमिना बनाता है, जो कि एक इंक्लूजन है और हार्मफुल इंक्लूजन है। हालांकि सिलिकॉन भी इंक्लूजन बनाता है, मैगनीज भी बनाता है, बट एलुमिना इंक्लूजन सबसे ज़्यादा क्या होता है, ख़राब होता है। तो तीनों का ही कुछ कुछ अमाउंट में डालते हैं, एल्युमिनियम सिलिकॉन और मैगनीज डीऑक्सीडेशन के लिए। फेरोलॉय के फॉर्म में डालते हैं फेरो सिलिकॉन और फेनो मैगनीज, और एल्युमिनियम को प्योर प्योर एल्युमिनियम डालते हैं। डीगैसिंग करते हैं, डीगैसिंग के लिए हम वैक्यूम वैक्यूम क्रिएट करते हैं। सीवर्ट्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है, पूछा जा सकता है कौन सा लॉ अप्लाई होता है, तो आप बोल सकते हो कि सीवर्ट्स लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। सीवर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी डिजॉल्व,
इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स इम्प्योरिटी। ठीक है, आप सीधा ये चीज़ बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, मतलब मेटल के ऊपर में, ये मेटल है मान के चलिए, ये आपका मेटल है, इसके ऊपर कितना प्रेशर लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि मेटल के अंदर कितना इम्प्योरिटी डिजॉल्व है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का जैसे वो जब ढक्कन लगा होता है तो उसमें पूरा कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है। जैसे हम ढक्कन खोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं ना, आवाज़ आती है, गैस बाहर निकलता है। तो गैस क्यों बाहर निकलता है? क्योंकि आपने ढक्कन लगा के उसको प्रेशराइज़ किया था तो डिजॉल्व था गैस, लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर रिमूव किया वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, है ना। तो जितना प्रेशर लगाओगे है ना, उतना ज़्यादा उसमें गैसेस डिजॉल्व होता है ना। तो इसका ये उल्टा है, अगर जितना अगर प्रेशर आप रिलीज़ कर दो, ठीक है, उतना ही गैसेज जो डिजॉल्व है वो बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए हम वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं डिगैसिंग के लिए। दो तीन टेक्निक होता है डिगैसिंग का, एक सिंपल लैडर डिगैसिंग होता है जिसमें एक वैक्यूम चैम्बर होता है, वैक्यूम चैम्बर में अपना लैडर रख देते हैं फिर पूरा वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, तो लैडर में जितना भी गैसेस है वो वैक्यूम के कारण बाहर निकल जाता है। दूसरा एक टेक्निक होता है आरएच डिगैसर। आरएच डिगैसर में क्या करते हैं ना, ऐसे दो स्नॉर्कल होता है इस तरह से, ये दो स्नॉर्कल जो है आगे जा करके वैक्यूम चैम्बर से जुड़ा होता है। तो इसमें से एक स्नॉर्कल से स्टील अंदर जाता है और ये पूरा चैम्बर, ये जो ऊपर वाला चैम्बर है वो क्या होता है, वैक्यूम चैम्बर होता है। तो ये गैस यहाँ से एक स्नॉर्कल से अंदर जाता है, फिर ये वैक्यूम चैम्बर में एक्सोस होता है, फिर दूसरे स्नॉर्कल से वापस आ जाता है। तो जितना भी स्टील यहाँ पे वैक्यूम चैम्बर में जाता है उसका डीगैसिंग हो जाता है। तो इस तरह से पूरा ये प्रोसेस चलते रहता है। तो क्या है, तो पूरा स्टील वैक्यूम चैम्बर में जाता है और पूरा डिगैसिंग होकर वापस आ जाता है, ये होता है आरएच डिगैसर। ऐसे दो तीन टाइप के और डिगैसिंग है। मेन आपको डिगैसिंग में सीवर्ट्स लॉ पूछा जा सकता है या ना, ये सब तो नहीं पूछा जाएगा इतना ज़्यादा कि आरएच डिगैसर का कैसे होता है बताओ, वैक्यूम लैडर डिगैसिंग का। मेन आपको पूछा जा सकता है कि सीवर्ट्स लॉ क्या है। ठीक है, आर्गन पर्जिंग क्यों करते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस वही है, आर्गन पर्जिंग से प्रॉपर स्टीरिंग होता है, अलॉय एडिशन जो आप करते हैं वो प्रॉपर जल्दी डिजॉल्व हो जाता है, इससे होमोजेनाइजेशन होता है बाद का, टेम्परेचर का और कॉम्पोजिशन का, ये सब होता है ना। कंटिन्यूस कास्टिंग से थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। कंटिन्यूस कास्टिंग में जैसे मोल्ड क्या है, तो मोल्ड किसका बना होता है, तो मोल्ड आप बोल सकते हो कि कॉपर का बना होता है ना, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। चांसेस कम है कंटिन्यूस कास्टिंग से पूछने का, मेन यही है। स्टील मेकिंग के प्राइमरी और सेकेंडरी स्टील मेकिंग से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें भी प्राइमरी स्टील मेकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं आयरन मेकिंग पे बनाऊंगा कि आयरन मेकिंग से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।